नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत में अनेक मान्यता और महत्वता है। आज हम जैन धर्म की शासन देवी माँ पद्मावती के बारे में जानेंगे। यह बात तब की है जब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्व पृथ्वी तल को पावन कर रहे थे। प्रभु जन्म से ही ज्ञानी थे। उन्हें जन्म से ही 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान प्राप्त था। राजकुमार पार्श्व सभी के हृदय सम्राट बनते हुए बड़े होने लगे। जब वे युवा हुए तब वाराणसी नगरी के बाहर कमट नाम का एक तापस आया। वह अपने चारों ओर अग्नि जलाकर कठोर तप किया करता था। नगरी के निवासी उसके तप से प्रभावित होकर उसके दर्शन करने लगे। महाराज अश्वसेन व महारानी व राजकुमार पार्श्व मंत्रियों एवं प्रजा को लेकर उस तापस के दर्शन करने आए। सभी ने कमट को तपस्या करते हुए देखा। राजकुमार पार्श्व ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इस कठोर तपस्या के पीछे अज्ञान है। उन्होंने देख लिया कि धुनी में एक ऐसा मोटा लक्कड़ भी जल रहा है जिसमें नाग नागिन का एक जोड़ा उपस्थित है। अज्ञान से पूर्ण तप की अग्नि में नाग और नागिन भी जल रहे हैं। यह देख कुमार पार्श्व का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने तापस को सारी सच्चाई बताई तो अज्ञानी तापस क्रोध से भरकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। राजकुमार पार्श्व ने लक्कड़ फाड़ने को कहा। लक्कड़ को फाड़ा गया तो सभी देखकर हैरान रह गए कि उसमें से झुलसा हुआ अर्धमूर्छित नाग नागिन का जोड़ा निकला। नाग नागिन का अंत निकट था। कुमार पार्श्व ने उन्हें नौकार मंत्र सुनाया और उसी की शरण लेने को कहा। उससे नाग नागिन के पापों की आंख शांत हुई। महामंत्र का उच्चारण करते करते दोनों ने धर्म की शरण में आकर देह को त्याग दिया। नाग योनि से मुक्त होकर दोनों धरणेन्द्र तथा पद्मावती के नाम से देवी देवता के रूप में उत्पन्न हुए। उधर तापस अपमान की आग में जलता हुआ वाराणसी नगरी से चला गया। क्रोध और आन उसके साथ अंत तक रहा। मृत्यु के बाद वह मेघमाली नाम का देव बना। राजकुमार पार्श्व ने संसार को असाध जानकर समस्त वैभव का त्याग कर दिया। मुनि दीक्षा लेकर वे वनों में ध्यान और तप करने लगे। मेघमाली देव ने एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए पार्श्व को जंगल में एकांत में तपस्या करते हुए देखा। उसने सोचा कि वाराणसी में हुए अपमान का बदला लेने के लिए यह बड़ा अच्छा अवसर है। पहले उसने हाथी का रूप बनाकर ध्यानतर पार्श्व को सूंड से उठाकर पटकने और पाव तले रौंदने का भय दिखाने लगा, परंतु पार्श्व अचल रहे। उसने सिंह के रूप में तीखे पंजों और दांतों से उसकी देह को शत विशत किया। पार्श्वनाथ नहीं डोले। उसने सांप बनकर उनकी देह को दसा। वे ध्यान में लीन रहे। वह बिच्छू बनकर डंको अनंत पहार करता रहा। पार्श्व समता भाव से सहन करते रहे। मेघमाली उनकी साधना को भंग नहीं कर सकता। अंत में उसने आकाश में घंघोर बादलों की रचना की। मूसलाधार पानी बरसने लगा। जीव जंतु अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बिजली कड़कती रही। पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ध्यान में लीन पार्श्वनाथ नाभि तक पानी में डूब गए। फिर पानी उनके वक्ष स्थल तक आ गया। धीरे धीरे कंधे और गले तक उन्हें पानी में डुबा दिया। पानी निरंतर बरसता रहा। उनकी नाक के अग्र भाग को पानी छूने लगा। उसी समय देवलोक में धरणेन्द्र और पद्मावती का सिंहासन कंपावित होने लगा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि पार्श्व प्रभु पर भयंकर उपसर्ग आया है। मेघमाली के पैदा किए हुए संकट में प्रभु पूरी तरह डूब रहे हैं। उसी क्षण देवी पद्मावती और देव धरणेन्द्र नाग नागिन के रूप में पृथ्वी पर आए। देव धरणेन्द्र ने 7 फनों का विशाल छत्र बनाकर प्रभु के सिर पर बरसते पानी को रोक दिया। देवी पद्मावती ने सर्प कुंडल का आसन बनाकर ध्यान में लीन प्रभु पार्श्व को पानी की सतह से ऊपर उठा लिया। मूसलाधार वर्षा तब भी होती रही, परंतु अब उसका कोई प्रभाव प्रभु पर नहीं हो रहा था। देवी पद्मावती और देव धरणेन्द्र की शक्ति के सामने मेघमाली टिक नहीं पाया। वह अपनी माया समेट कर भाग खड़ा हुआ। पानी घट गया, संकट मिट गया, उपसर्ग मिट गए। पार्श्व प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवी पद्मावती और देव धरणेन्द्र ने अन्य देवी देवताओं के साथ आकाश से उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करते हुए उनका अभिवादन किया। बोलो पार्श्व प्रभु की जय। बोलो कल्याणकारी देव धरणेन्द्र की जय। बोलो मंगलमयी देवी पद्मावती की जय। प्रभु पार्श्व का आसन बनकर देवी पद्मावती की 3 लोक में जय जयकार होने लगी। उनके नाम की महिमा अपरंपार है। संसार को ममतामय माता पद्मावती की शक्ति और महिमा का ज्ञान हुआ। सर्वत्र उनकी पूजा अर्चना होने लगी। देवी पद्मावती ने दयालु हृदय से कहा, जो भगवान पार्श्वनाथ को याद करेगा मैं उसी पल उसके सभी संकट का निवारण करूंगी। देवी पद्मावती की अपार महिमा को सुनकर निर्धनों के, कोड़ियों के, संतानहीनों के,
अज्ञानियों के, रोगियों के और दुखियों के दुख दूर हो गए। पूरी सृष्टि में अकेली देवी पद्मावती ऐसी देवी है जिन्होंने किसी तीर्थंकर का आसन बनने का सौभाग्य प्राप्त है। इसी कारण जन जन के अनेक चरण कमलों पर अपनी श्रद्धा एवं आस्था के सुमन अर्पित किए। देवी माँ पद्मावती के सुमिरन से निर्धनों को धन मिला, रोगी स्वस्थ हुए, अपक्षय भोगने वाले समाप्त हुए, संतानहीनों को श्रेष्ठ संतान मिली, अज्ञानियों ने ज्ञान का उजाला प्राप्त किया, बिगड़े भाग्य सवारे गए, दुखियों का दुख दूर हुआ। खाली झोली को भरे जो भी ध्यावे नाम, माँ पद्मावती दे मनवांछित परिणाम, तन मन जीवन के सभी पूरे होवे काम, जय जय माँ पद्मावती सभी सुखों की धाम। ओम रीम श्रीम पद्मावती पद्म नेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछित पूर्णी मम रिद्धिम वृद्धिम समाहितिम कुरु कुरु स्वाहा।